हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद देव पर। मैं आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ बायोलॉजी की इसी सीरीज में एक और बेहतरीन क्लास। यदि आप इन क्लासेस को रेगुलर अटेंड करते हो तो आप 34 में से 33 या 32 नंबर कवर कर सकते हो, और यह गारंटी आपको पूरे यूट्यूब चैनल पर कोई नहीं देने वाला। ओनली ऑन स्टडी विद देव चैनल आपको यह गारंटी दे रहा है। तो आप जाइए और क्लासेस को रेगुलर देखिए, प्लेलिस्ट रेडी है। प्लेलिस्ट में जाकर आप एक एक वीडियो देख सकते हैं। सीरीज वाइज वीडियो देखो और क्लासेस को समझो और अपने नोट्स बनाओ। और अभी तक आपने अगर मॉडल पेपर नहीं परचेज किए और आपको ज़रूरत है कि आपको लगता है अपन को मॉडल पेपर परचेज कर लेने चाहिए, तो मात्र 201 रुपये में आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। फिलहाल इनके रेट जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे इनकी प्राइसेस बढ़ा दी जाएगी, तो आप जल्दी जाइए और अभी मॉडल पेपर बाय कर लीजिए। जिन मॉडल पेपर में से आपको 70% क्वेश्चंस मिलने के चांसेस हैं, तो आप जाइए और उन मॉडल पेपर को परचेज कीजिए। तो चलते हैं आज की क्लास में अपन, तो देखते हैं क्या है आज का टॉपिक अपना। आज का टॉपिक अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। क्या हो गया आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है जीव एंड जनसंख्या, आज का टॉपिक अपना हो गया। तो आप देखते हैं अपन इसमें क्या है। अपन को दिया हुआ है पहला मिलान दिए हुए हैं, कुछ स्तंभ दिए हुए हैं, मिलान दिए हुए हैं, जिसमें स्तंभ में अपन को दी हुई है अन्योन क्रियाएँ दी हुई है, उनका पॉजिटिव और नेगेटिव से अपन को बताना है कि किसका क्या आएगा। तो देखते हैं पहले स्तंभ और दूसरे स्तंभ को मिलाना है। पहले स्तंभ में अपन को कुछ अन्योन क्रियाएं हैं ये, तो देखते हैं कौन कौन सी अन्योन क्रियाएं दी हुई है। सहभोजिता, एमेंसेलिज्म, प्रतिस्पर्धा, परभक्षण, सहप्रोपकारिता, अपन को ये पांच अन्योन क्रियाएं दी हुई है। तो अब अपन इनको मिलान करते हैं कौन किससे मिलेगा। तो देखते हैं सहभोजिता, सहभोजिता में क्या आ जाएगा अपने, सहभोजिता में आ जाएगा सी, शून्य और पॉजिटिव इसमें आ जाएगा। फिर आता है अपना एमेंसेलिज्म, एमेंसेलिज्म में क्या आ जाएगा अपने, जीरो और नेगेटिव यही आ जाएगा इसमें। फिर आता है तीन नंबर पे कौन सा है, प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा पर क्या आ जाएगा, डी, दोनों नेगेटिव आ जाएंगे इस पर, दोनों क्रियाएं नेगेटिव हो जाएगी। फिर आता है प्रभक्षण, प्रभक्षण में क्या आ जाएगा, प्रभक्षण में आ जाएगा अपने नेगेटिव पॉजिटिव ए आ जाएगा इसमें। फिर आता है सहप्रोपकारिता, सहप्रोपकारिता क्या आ जाएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाती है इसमें दोनों। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्या है अपन नेक्स्ट देखते हैं, सहप्रोपकारिता एक एक्स संबंध है, जबकि प्राक सहयोगिता वाई संबंध है, जिसमें दोनों अंतर क्रियाएं करने वाले जातियों को लाभ होता है। तो कौन से संबंध है ये, तो दोबारा से क्वेश्चन को खाली स्थान फिल करते हुए देखते हैं अपन। सहप्रोपकारिता एक अविकल्पी संबंध है, कौन से संबंध है, अविकल्पी संबंध है, जबकि प्राक सहयोगिता विकल्पी संबंध है, जिसमें दोनों अंतर क्रियाएं करने वाली जातियों को लाभ होता है। तो ये दोनों अंतर क्रिया करने वाली जातियों को लाभ कब होता है, जब सहप्रोपकारिता एक अविकल्पी संबंध है और प्राक सहयोगिता विकल्पी संबंध हो। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्या है, अन्योन क्रिया जिसमें एक या दोनों भागीदार प्रजातियों को हानि होती है, ऐसी अन्योन क्रियाएं कहलाती है। ऐसी अन्योन क्रियाएं जिनमें एक दोनों भागीदार एक या तो एक प्रजाति को या फिर दोनों भागीदार प्रजातियों को हानि हो, तो उसे क्या, कौन सी अन्योन क्रिया कहेंगे, उसे कहेंगे हानिकारक या नकारात्मक अन्योन क्रिया। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में दिया हुआ है अपन को किसी एक पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा जीव निम्नलिखित गुण दर्शाता है। तो अपन को कुछ गुण दिए हुए हैं, उसमें अपन को बताना है कि कौन से पारिस्थितिकी तंत्र का जीव है। तो अपन को दिया हुआ है कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, ऊर्जा स्थानांतरण के लिए सनाल का कार्य करता है, किसका कार्य करता है, सनाल का कार्य करता है, समुदाय में जाति विविधता को बनाए रखता है, शिकार जाति की आबादी को नियंत्रित करता है, प्रकृति में विवेकी होता है, वो कौन है, वो होता है प्रभक्षी। तो इसमें ऐसे पूछा जा सकता है प्रभक्षी ऊर्जा स्थानांतरण के लिए कौन सा कार्य करता है और जाति में विविधता को कौन बनाए रखता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आता है अपने नेक्स्ट क्या है, अमेरिकी प्रांत तट से जब प्राइम मिनिस्टर तारा मछली को हटाया गया तो एक वर्ष के अंदर ही अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। कितनी जातियां विलुप्त हो गई, 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। कब हो गई, जब अमेरिकी प्रांत तट से प्राइम मिनिस्टर तारा मछली को हटाया गया तब अकशेरुकियों की 10 से अधिक जातियां विलुप्त हो गई। तो इसका कारण क्या था, इसका कारण है अंतर जातीय स्पर्धा, दो जातियों के बीच की स्पर्धा, यानी कि जो दो जातियां अपने आप को जीवित रखने के लिए या उनको मेंटेन करने के लिए स्पर्धा रखती है, तो वो होता है अंतर जातीय स्पर्धा। फिर आता है नेक्स्ट, कीटों और मेंढकों की कुछ जातियां प्रभक्षी द्वारा आसानी से पहचान लिए जाने से बचने के लिए गुप्त रूप से रंगीन होते हैं, इसको क्या कहते हैं।
तो कुछ जीव है या कीट मेंढक परभक्षियों से बचने के लिए या तो कहीं छुप जाते हैं या अपना रंग बदल लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं छद्मावरण। उसे क्या बोलते हैं? छद्मावरण। फिर आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? प्रतिशत कीट पादप बक्सी, कितने प्रतिशत कीट पादप बक्सी हैं अर्थात वे पादप रस और पादपों के अन्य भागों को खाते हैं। तो अपन को बताने कितने प्रतिशत कीट पादप बक्सी है जो पादप रस या पादपों के अन्य भागों को खाते हो, तो वो हो गए 25%, लगभग लगभग कितने हो गए 25%। फिर आता है अपना नेक्स्ट, नेक्स्ट वही है मिलान वाला, इसमें अपन को दिया हुआ है रक्षा क्रिया विधि जो शिकार जाति द्वारा शिकार से बचने के लिए अपनाई जाती है। तो कौन सी रक्षा क्रिया विधि और कौन से कौन उसे अपनाता है शिकार से बचने के लिए, तो देखते हैं अपन। पहले देखते हैं अपन स्तंभ ए में अपन को रक्षा क्रिया विधि दी हुई है और स्तंभ बी में अपन को शिकार दिया हुआ है, तो देखते हैं क्या है। पहला आता है हृदय ग्लाइकोसाइड्स। हृदय ग्लाइकोसाइड्स कौन अपनाता है, कौन रक्षा क्रिया विधि अपनाता है हृदय ग्लाइकोसाइड्स की, तो होता है क्लोट्रोपिस यह क्रिया विधि अपनाता है। फिर आता है अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? विशेष रसायन के कारण स्वाद में खराब, तो विशेष रसायन के कारण स्वाद में खराब कौन होता है? मोनार्क तितली का, मोनार्क तितली जो विशेष रसायन के कारण स्वाद में खराब होती है। फिर आते हैं कांटे, कांटे किसमें पाए जाएंगे? अकेशिया नागफनी जो कि अपने आप को शिकार होने से बचाता है। फिर आता है छद्मावरण, छद्मावरण किसमें पाया जाता है? कीड़ों में, जो अपने आप को शिकारी जीव से बचाने के लिए या तो रंग चेंज कर लेते हैं या किसी चीज़ नीचे छुप जाते हैं, उसे बोलते हैं छद्मावरण। तो चलिए इनको एक बार इधर देख के अपना आंसर, फिर उसको मिलान दोबारा से आपको बता देता हूँ कि कैसे किसमें क्या होगा। तो अपने आ जाएगा हृदय ग्लाइकोसाइड्स हो जाएगा अपने केलोट्रोपिस। फिर आता है विशेष रसायन के कारण स्वाद में खराब, तो क्या हो जाएगा? मोनार्क तितली। फिर कांटे, कांटे किससे संबंधित है? अकेशिया नागफनी से संबंधित है ये। फिर आता है छद्मावरण, छद्मावरण क्या है? कीड़े अपने आपको शिकार से बचाने के लिए छद्मावरण कर अपनाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? किसी भौगोलिक क्षेत्र में कुछ विदेशज जातियां लाई जाती है तो वे आक्रामक हो जाती है और तेज से फैलने लगती है, क्यों? तो उसका क्या कारण है कि वो आक्रामक हो जाती है और तेजी से फैलने लग जाती है? तो उसका कारण हो जाएगा उसके प्रतिरक्षी, सॉरी उसके प्राकृतिक परभक्षी नहीं होते, यानी कि उसके प्राकृतिक रूप से कोई परभक्षी नहीं है, इसलिए वो आक्रामक हो जाती है और तेजी से अपने जिस स्थान पर लाया गया है उसको वहाँ पर तेजी से फैलने लग जाती है। फिर आता है अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? जब किसी एक जाति की भोजन दक्षता किसी अन्य जाति की उपस्थिति में कम हो जाए, भले संसाधन प्रचुर मात्रा में हो, इसे क्या कहते हैं? तो क्या कहेंगे इसको? इसको कहेंगे बाधा प्रतिस्पर्धा। तो इसको ऐसे पूछा जा सकता है, ऑप्शन में देखें बाधा प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, तो इसमें आएगा जब किसी एक जाति की भोजन दक्षता किसी अन्य जाति की उपस्थिति में कम हो जाए, भले संसाधन प्रचुर मात्रा में लेकिन एक जाति की दक्षता दूसरी जाति से कम हो जाए, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं बाधा प्रतिस्पर्धा। फिर आता है अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी वही मिलान है, तो मिलान देखते हैं अपन क्या है। अपने मिलान में दिया हुआ है अपन को कौन किससे संबंधित है, तो पहला है संसाधन विभाजन। संसाधन विभाजन क्या है? संसाधन विभाजन हो जाएगा मेघ से संबंधित है। फिर आता है स्पर्धी अपवर्जन। स्पर्धी अपवर्जन में क्या आ जाएगा? स्पर्धी अपवर्जन में आ जाएगा गौस। फिर आता है अस्तित्व के लिए संघर्ष, तो अस्तित्व के लिए संघर्ष किस में दर्शाया गया है? वो दर्शाया गया है डार्विनवाद में, अस्तित्व के लिए संघर्ष दर्शाया गया है। तो चलिए इनको देख लेते हैं एक बार फिर से अपन, तो कौन किससे संबंधित है? तो अपने हो जाएगा संसाधन विभाजन हो जाएगा मैक से संबंधित, स्पर्धी अपवर्जन हो जाएगा गौस से संबंधित, और अस्तित्व के लिए संघर्ष हो जाएगा डार्विन से संबंधित। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? कौन से जीव मांसाहारियों की तुलना में प्रतिस्पर्धा से अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं? तो कौन से जीव है जो मांसाहारी की तुलना में प्रतिस्पर्धा से अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं? तो होते हैं पादप तथा शाकाहारी जीव होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? जातियों द्वारा स्पर्धा से बचने के लिए, तो जातियों द्वारा स्पर्धा से बचने के लिए भिन्न आहार समय तथा भिन्न चारण प्रतिरूप का चयन कहलाता है। तो भिन्न भिन्न आहार और भिन्न चारण प्रतिरूप का चयन क्या कहलाता है? वो कहलाता है अपने संसाधन विभाजन कहलाता है, जो कि मैक से संबंधित है जो अपन ने ऊपर पढ़ा। फिर आता है अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? सत्य असत्य अपन से कथन पूछे गए हैं, तो अपन को यहाँ पर चार कथन दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? तो देखते हैं अनावश्यक संवेदी अंगों की उपस्थिति, ये गलत हो गया, परजीवी के लिए पूछा गया अपन से, तो उसमें अनावश्यक संवेदी अंग उपस्थित नहीं होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? असंजक अंग तथा चुस्का अंगों की उपस्थिति,
तो क्या है, आसंगक अंग तथा चुस्का अंगों की उपस्थिति थी ये उसमें होती है। तो ये किस में होती है, ये होती है परजीवी में। फिर आता है अपने सुविकसित पाचन तंत्र। तो परजीवी में कोई सुविकसित पाचन तंत्र नहीं होता, अल्पविकसित पाचन तंत्र पाया जाता है परजीवी में। फिर आता है नेक्स्ट क्या है, उच्च जैविक विभव। तो उच्च जैविक विभव पाया जाता है परजीवी के अंदर। तो अपने क्या कौन कौन से सही हो जाएंगे इसमें, इसमें बी और डी सही हो जाएंगे, और असत्य पूछा गया अपन से, तो ए और सी इसमें असत्य कथन है। तो आपसे इसमें सत्य कथन भी पूछा जा सकता है, असत्य पूछा जा सकता है, इसलिए आपको चारों कथन देखने होंगे। फिर आता है नेक्स्ट क्या है, मानव यकृत प्रणाब एक खालिस्थान है जो अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए दो मध्यवर्ती पोषकों खालिस्थान पर निर्भर रहता है। तो अपन को इसमें ए और बी दो खालिस्थान पूछे गए हैं, तो इसको खालिस्थान कंप्लीट करते हुए अपन देखते हैं इसके आंसर क्या हो जाएंगे। तो देखते हैं, मानव यकृत प्रणाब एक ट्रिमेटोड परजीवी है। कौन सा परजीवी है, ट्रिमेटोड परजीवी है, जो अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए दो मध्यवर्ती पोषकों गोंगा और मछली पर निर्भर करता है। किस पर, कौन से दो मध्यवर्ती पोषकों पर निर्भर करता है, ये करता है गोंगा और मछली पर। कौन करता है, ट्रिमेटोडो परजीवी, ये गोंगा और मछली पर निर्भर करता है। फिर आता है नेक्स्ट क्या है, एक जीव अन्य जीव की उत्तरजीविता वृद्धि जनन एवं जनसंख्या घनत्व को कम करता है और इसे शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है, ऐसे जीव क्या कहलाते हैं। ये तो ऐसे जीव कहलाते हैं परजीवी। परजीवी क्या करते हैं, किसी जीव को अन्य जीव की उत्तर जीविता वृद्धि जनन जनसंख्या घनत्व में कमी लाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं परजीवी। फिर आता है अपने नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कितने जीव बाह्य परजीवी माने जाते हैं। तो अपन को कुछ जीवों के नाम दिए हुए हैं, उनमें से अपन को बाह्य परजीवी सिलेक्ट करने हैं। तो पहले अपन देखते हैं कौन कौन से जीव है वो अपन को नाम दिए, कौन कौन से क्या है, जू टिक्स कोपियोड्स कस्कुटुआ टीनिया एस्केरिस एकृत प्रणाब। तो अपन को ये दिए हुए हैं, इनमें से अपन को देखने हैं कि कौन से हैं जो बाह्य परजीवी माने जाते हैं। तो इनमें से चार है जो बाह्य परजीवी माने जाते हैं, एक तो जू टिक्स कोपियोड्स कस्टुआ, ये चारों जीव है जो कि बाह्य परजीवी माने जाते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कितने अंतः परजीवियों के विशेष गुणधर्म हैं। तो अपन को किसके गुणधर्म पूछे गए, अंतः परजीवियों के विशेष गुणधर्म। तो चारों अंतः परजीवियों के विशेष गुणधर्म हैं। तो देखते हैं कौन कौन से हैं, अधिक जटिल जीवन चक्र अधिक जटिल होता है इनका, उच्च जनन विभव होता है, सरल आकारिकी होती है, सरलीकृत शारीरिकी होती है इनकी। तो ये चारों विशेष गुणधर्म होते हैं अंतः परजीवियों के। फिर आता है अपना नेक्स्ट क्या है, अन्योन क्रिया जिसमें एक जीव अपने अंडों को किसी अन्य जीव के घोंसले में देता है, खालिस्थान कहलाता है, और इसका उदाहरण भी देना है। तो कौन है जो अपने जीव तो कौन है जो अपने अंडे दूसरे जीव के घोंसले में देता है, तो वो होता है अंड परजीविता। क्या कहला, कौन होता है वो जो अंड परजीविता, और इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, कोयल और कौवा। कोयल और कौवा कभी भी अपने घोंसले में अंडे नहीं देते, दूसरे के घोंसले में जाके अंडे देते हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है, निम्न जीवों को उनके सहभोजी संबंध के अनुसार मिलान कीजिए। तो कैसे मिलान करना है, इनका सहभोजी संबंध के साथ मिलान करना है। तो देखते हैं, आम की शाखा क्या हो गई, आर्किड्स आम की शाखा से संबंधित है। फिर आती है क्लोन मछली क्या हो गई, समुद्री एनेमोन हो गई। फिर बगुला किससे संबंधित हो गया, बगुला हो गया चौपाया या पशु से संबंधित हो गया। फिर आता है वहल हो गए, बार्नेकल से संबंधित वहल हो गई अपनी। फिर आता है अपने नेक्स्ट क्या है, कवक तथा साइनोबैक्टीरिया के मध्य सहप्रोपकारी संबंध को कहते हैं। तो किसके मध्य पूछा गया अपन से, कवक और साइनोबैक्टीरिया के मध्य जो सहप्रोपकारी संबंध है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाइकेन। फिर आता है नेक्स्ट क्या है, एक अंतरजातीय अन्योन क्रिया जिसमें तंतुमय सुकेंद्रीय जीव उच्च पादप के लिए मृदा से पोषकों को अवशोषित करता है। क्या करता है, उच्च पादप के लिए मृदा से पोषकों को अवशोषित करता है, इसके बदले पोषक ऊर्जा देने वाले कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं। कौन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं, इस प्रकार का संबंध कहलाता है। तो इस प्रकार का संबंध क्या कहलाता है, इस प्रकार का संबंध कहलाता है माइकोराइजा कहलाता है। फिर आता है अपने नेक्स्ट क्या है, पादपों द्वारा प्रागणकर्ता तथा बीज प्रकीर्णनकर्ता को क्रमशः ए तथा बी के रूप में पुरस्कृत किया जाता है।
तो किसके रूप में किया जाता है? ए को किया जाता है पराग एवं मकरंद, और बी को किया जाता है रसीले तथा पोषक फलों के रूप में पुरस्कृत किया जाता है। फिर आता है अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन से अन्योन क्रियाओं में दोनों परस्पर क्रियाएं करने वाली जातियां सविकास या सविलुप्तता या सह अस्तित्व प्रदर्शित करती है? तो निम्न में से कौन सी जातियां हैं जो ये सारी चीज़ें प्रदर्शित करती है, कौन कौन सी चीज़ें दी हुई है अपन को, सविकास सविलुप्तता सह अस्तित्व, ये सब के सब के कौन सी अन्योन क्रिया में प्रदर्शित होगी? तो ये होगी सपरोपकारिता में प्रदर्शित होगी। फिर आता है अपने नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, फिंगर वृक्ष तथा वैस्प जाति के मध्य सहजीवी संबंध में वैस्प अंजीर के फलों को खालिस्तान के लिए और विकसित होते हुए बीजों को वाई खालिस्तान के लिए जेड के बदले में उपयोग करता है। तो एक्स वाई जेड अपन को तीन खालिस्तान पूछे गए हैं इसमें, तो इनको फिल करते हुए अपन क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, वृक्ष तथा वैस्प जाति के मध्य सहजीवी संबंध में वैस्प अंजीर के फलों को अंड निक्षेपण के लिए और विकसित होते हुए बीजों को लार्वी के पोषण के लिए अंजीर का परागकण के बदले में उपयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा इसके तीनों खालिस्तान ऐसे भरे जाएं। तो ये हो गए आज की क्लास ख़त्म। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।